अब देखना है समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस त्रिक से कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लव स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी कहने का मतलब पाइथागोरस त्रिक में क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लव स्क्वायर प्लस होता है आधार स्क्वायर, होता है आधार स्क्वायर। चलिए अगर हमको खाली कर्ण निकालना होगा, कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लव स्क्वायर प्लस का होता है आधार स्क्वायर, यानी ये दोनों का वर्ग करने के बाद इसका वर्ग क्या होता है बराबर होता है। अगर हमको कर्ण निकालना है तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इसको रूट के अंदर हम लोग कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा लव स्क्वायर प्लस का होता है आधार स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा लव स्क्वायर प्लस का होता है आधार स्क्वायर, लव स्क्वायर प्लस का होता है आधार स्क्वायर होता है। अगर हमको यहाँ पे लॉग निकालना हो तो लॉग स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस होता है आधार के स्क्वायर। हमको लॉग बराबर लॉग स्क्वायर बराबर निकालना है तो हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर माइनस होता है आधार के स्क्वायर, तो लॉग बराबर होता है रूट अंडर होता है कितना कर्ण के स्क्वायर माइनस होता है आधार के स्क्वायर होता है। चलिए ये कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को निकलना है आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस होता है लव के स्क्वायर। अगर हमको सिंपल सा आधार ज्ञात करना है तो हम लोग यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे, ये हो जाएगा रूट में कर्ण के स्क्वायर माइनस होता है किसका स्क्वायर लव के स्क्वायर होता है। अब देखिए अगर इस सब पे हमको क्वेश्चन बनाना हो, मान लीजिए कि हमको दिया हुआ है लंब बराबर चार आधार बराबर कितना दिया हुआ तीन, तब कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण ज्ञात करने के लिए हम लोग का सूत्र होता है कर्ण बराबर सूत्र से हम लोग चलेंगे, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस होता है आधार के स्क्वायर। चलिए हम लोग यहाँ पर दिया हुआ है लंब कितना है चार, रूट अंडर यहाँ पर हम लोग चार के स्क्वायर कर देंगे और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा तीन के स्क्वायर, आधार है आधार कितना है तीन है तो यहाँ पर तीन के स्क्वायर कर देंगे। चलिए यहाँ पर देख लीजिए चार के स्क्वायर सोलह हो जाएगा प्लस यहाँ पर तीन के स्क्वायर नौ हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा पच्चीस। आप यहाँ से आप लोग क्या कर लीजिए कि इसको कमर निकालिए, पाँच गुणे कितना हो जाएगा पाँच, दो में से बाहर निकल जाएगा यहाँ पर हो जाएगा पाँच, तो हम लोग का जो कर्ण है वह कितना आया है पाँच, कर्ण का कितना आ गया पाँच, तो हम लोग का लंब चार हो गया आधार तीन हो गया और कर्ण कितना आ गया पाँच। तो यह दोनों का वर्गों का योग लंब और आधार के वर्गों का योग बराबर होता है इसके वर्गों का योग। अगर हमको लंब निकालना है तो लंब के लिए हम लोग क्या सूत्र रखेंगे लंब बराबर हो गया यह लंब स्क्वायर बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस होता है आधार स्क्वायर। चलिए अब हम लोग को समकोण त्रिभुज में क्या दिया हुआ है तो हमको कर्ण दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है लंब निकालना है, हमको क्या निकालना है लंब निकालना है। तो चलिए यहाँ पर कर्ण दिया हुआ है, कर्ण का मान कितना है पाँच है, पाँच के होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर कितना आधार तीन है तीन के होल स्क्वायर। अब इससे हम करेंगे पाँच के होल स्क्वायर करेंगे तो पच्चीस हो जाएगा और तीन के होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा नौ हो जाएगा और पच्चीस में से नौ घटाएंगे कितना हो जाएगा सोलह। अगर हम लोग इसको खंडित करते हैं दो गुणे दो गुणे दो गुणे गुणे दो तो दो में से एगो दो में से एगो दो गुणे कितना हो जाएगा दो बराबर चार। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसका यह झुका है यह हम लोग का लंब जो निकला हुआ है चार निकला हुआ, लंब कितना निकला हुआ है चार निकला हुआ है। तो हम लोग लंब का सूत्र जो होता है लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, इस सूत्र से हम लोग लंब क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। हो गया कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखना है यहाँ पे क्या देखना है, अब हम लोग को पढ़ना है कि आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस होता है लंब स्क्वायर। चलिए हम लोग का यहाँ पर दिया गया है कर्ण का मान पाँच के होल स्क्वायर, यहाँ पर दिया गया लंब का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पर हो जाएगा पाँच के स्क्वायर करेंगे तो पच्चीस होता है और चार के स्क्वायर करेंगे तो सोलह होता है। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा नौ, यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर तीन गुणा कितना हो जाएगा तीन, दो में से एगो बार यहाँ पर तीन हो जाएगा तो हम लोग का आधार कितना हो गया तीन। तो इस फार्मूला से हम लोग आराम से लंब आधार कर्ण निकाल सकते हैं।